मैं सनी कुमार, वार्ड नंबर 18, भाभी प्रत्याशी। पहला सवाल आपके लिए, आप भाभी प्रत्याशी के रूप में वार्ड 18 से खड़े हो रहे हैं, विकास योजना का सबका मुद्दा होता है, मैं जिन जिन के पास गया हूँ, आपका ऐसा क्या मुद्दा है जिसको आप सबसे प्रायोरिटी देना चाहेंगे जब आप जीत के आएंगे? सबसे पहले लोगों तो मैं बचाना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 18 में जितनी भी गलियाँ हैं, ठीक ना, बहुत सारी समस्या है, ठीक ना, तो समस्या में दो समस्या जो है जो लोगों को अक्सर दिखता है उस चीज़ पर मेरा फोकस है। सबसे पहले कि गलियों का नवीकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलियों का नहीं नवीकरण नहीं होने के कारण लोग, आधे लोग 17 नंबर वार्ड में होते हैं, 18 नंबर वार्ड में होते हैं, जिसके कारण सही रूप से सही तरीके से लोगों को साफ सफाई गलियों में नहीं मिल पाती। लेकिन माननीय पार्षद तो बताते हैं कि पक्की नली गली ये सब का काम सुचारू रूप से चल रहा है, कोविड के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आया, आप इसको कैसे? ना ना, समस्या है, बिल्कुल ठीक है, उनका कहना सही है, कोई इशू नहीं है, मैं प्रतिक्रिया उस पर देना नहीं चाहता हूँ, पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके कामों में कुछ कमी है जिसको हमारे आने पर उसकी कमी को दूर किया जाए। आप अपना थोड़ा रोड मैप जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि आपका क्या रोड मैप? एक्चुअली मेरा मेनली फोकस दो तीन चीज़ों पर है। पहला तो नवीकरण होगा गलियों का, होना अनिवार्य है। दूसरी बात, जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास असहाय हैं, पैसा नहीं है, उनकी शादी के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा स्कीम सोचा है, जो कि गरीब लड़की के लिए हर साल 8 बच्ची 10 बच्ची लोगों का मंदिर में शादी कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो बच्चे असहाय हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, किसी भी जाति से हों, उनके लिए स्पेसिफिक हम सोचे हुए हैं कि एक क्लास करना चाहते हैं जिसमें SSC रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कराई जाएगी और उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ताकि अशिक्षा का अभाव नहीं होगा तो उस कारण से लोग आगे बढ़ेंगे। अशिक्षा का अभाव होने के कारण लोग परेशान और बेरोजगार घूम रहे हैं। को लेके आपने जैसे सामाजिक कार्यों से जुड़े होने का दावा किया है, स्वास्थ्य को लेके आपने रिसेंटली कुछ किया है? स्वास्थ्य के लिए तो मैंने कोरोना काल में बहुत लोगों को मदद किया है, ठीक है ना, उसके साथ साथ बहुत जगह पर PMCH, IGMS और एम्स में लोगों को भर्ती भी कराया, खून भी डोनेट कराया, उसके साथ साथ बहुत सारी मदद दी गई। इसके अलावा कोरोना काल को देखते हुए मैंने इस बार हमारे वार्ड में, जिसे तो नहीं पड़ता है, मीठापुर हमारा क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में मैं एक डॉक्टर साहब को बैठाने जा रहा हूँ अभी, जो कि फिजिशियन और कार्डियो हैं, और उनको बैठाया जा रहा है, और उसमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो गरीब होंगे और 50 साल के उम्र से ज़्यादा जो व्यक्ति होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो डॉक्टर से दिखाया जाएगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट 50 साल से ऊपर जो जितने भी लोग होंगे। तो बहुत भीड़ आएगी तो कैसे उसको नहीं, एक्चुअली ठीक है, समस्या होगी, उसमें एक डेट दे दिया जाएगा कि आप इस डेट को आ जाइए, 10 लोगों को इस दिन दे दिया जाएगा, 10 दिन इससे ये सिस्टम के तहत लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आँख की समस्या है जिन लोगों को, तो मैंने एक ऑफर भी सोचा है और एक अच्छा चीज़ अपॉर्चुनिटी सोचा है कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो भी हों, उनकी आँख की ऑपरेशन के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों के ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 50 लोगों का, 50 से 30 लोग, 20 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग, मिनिमम जितना हो, मैक्सिमम जितना, उससे कोई समस्या, पर मसरते उसको हेल्प करना है, समस्या यही है मेरा कि हम उसको पूरा करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी यही अपेक्षा रहेगा कि हमसे जो ज़्यादा मदद हो, और लोगों से अवेयरनेस भी यही करते हैं कि कभी भी किसी भी हमारे वार्ड में हो या अगले किसी और भी वार्ड में किसी भी लोगों को अगर समस्या है तो स्वतः मेरे पास आके उसका निदान करा सकता है, जो मैं उनके हमेशा मदद करूँगा। बड़ी समस्या जो पटना नगर निगम की है, चाहे किसी भी वार्ड की बताए, वो जल जमाव की है। बारिश आते ही हर वार्ड में आप जाएंगे, कुछ एक वार्ड, मतलब 3-4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की समस्या बहुत कम है, है लेकिन बहुत कम है। 18 की बात करें तो आपके वार्ड में भी जल जमाव समस्या है। जी जी जी, इसको कैसे आप साफ? देखिए, एक्चुअली ये चीज जो जल जमाव है हर वार्डों में है, ठीक है ना, इसको परस्पर करने के लिए प्लान वे में काम करना होगा। प्लान वे में करना क्या होगा कि लोग क्या करते हैं कि सड़क के ऊपर में घर बना लेते हैं, जिसके कारण जल जमाव होता है और रोड ऊपर बन जा रहा है। तो इसमें कमी यही करना है कि हमारे जो नगर निगम के जितने भी इंजीनियर हैं या जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बुला के और क्षेत्र में एक बार भ्रमण कराते हुए रोडों का जो लेयर है उसको डाउन करके और नलियों का सीवरेज सही तरीके से करवा के, तभी इसका सही रूप से इलाज हो सकता है। हाँ, ठोस प्लान ये है कि पहले तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसों की कमी होने के कारण कोई गरीब बच्चा है जो टैलेंटेड होने के कारण भी अच्छे तरीके से उसको परवरिश नहीं मिल पाता, पढ़ाई नहीं होता, उसके लिए मैंने सोचा है कि जो हमारे
क्षेत्र में जो भी अच्छे स्कूल हैं उस स्कूल में उसको एडमिशन कराया जाएगा और उसके फीस में 50% की कमी करा के उनको एडमिशन कराया जाएगा मेरे द्वारा। मतलब आप दायरे से बाहर निकल के काम? जी जी बिल्कुल। और ये वार्ड तक ही सीमित नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि हर जगह हर वार्ड में मैं इस तरह का प्रस्ताव सभी लोगों को दूँ। हाँ बिल्कुल कि ताकि हमारे साथ साथ जितने भी वार्ड में लोग हैं ना उस पर जागरूक की प्रतिक्रिया बढ़ते रहे।